Hello and welcome to the first episode of Counselling Baki Hai. I am Aditya Yadav and watching the social Indian and we are releasing this series जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके एडमिशन के बाद काउंसलिंग से रिलेटेड आपके क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं. दूसरा हम आपको इस सीरीज में बताएंगे कि आपको लाइफ कैसी होगी आपकी कैंपस में आने के बाद और किस किस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, किन किन चीज़ आपके लिए चैलेंज बन सकती हैं. तो उन चीज़ों को हम आपको पहले ही करेंगे आगाह. और इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही अनोखा सा कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जिसे मैं कहूँगा ताकि आपको पहले ही नॉलेज हो जाए दिल्ली आने से पहले ही कि आपको अकोमोडेशन कैसे करना है. अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो कोई चिंता की बात है ही नहीं, लेकिन अगर आप कहीं बाहर से आते हैं तो आपको जाहिर सी बात है चिंता होगी कि रहना खाना कैसा होगा. अब अगर दिल्ली में रहना है तो थोड़ा खर्चा तो सहना है. इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉस्टल अकोमोडेशन की, पीजी अकोमोडेशन की, फ्लैट अकोमोडेशन की, खाने के लिए आपको कहाँ पे क्या बढ़िया मिल सकता है, और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि लाइफ कैसी है नॉर्थ कैंपस में. अब हमने स्पेसिफिकली नॉर्थ कैंपस को इसलिए चुना है क्योंकि वहाँ पर हम रहे हैं, वहाँ का हमें एक्सपीरियंस है, और नेचुरल सी बात है कि जेन्युइन अगर हमें एडवाइस देनी है तो हम सिर्फ वही एडवाइस कर सकते हैं जो हमने खुद फेस की है. अब सबसे पहले अगर हम नॉर्थ कैंपस को देखें तो किसी भी यूथ के लिए नॉर्थ कैंपस रहने के लिए सबसे बढ़िया जगह में से एक जगह है. अगर आप नॉर्थ कैंपस आते हैं तो आप एक अलग सी लाइफ का सामना करेंगे जो शायद अब तक आपने नहीं देखी थी, और वो लाइफ आपके लिए थोड़ी नई हो सकती है. अब यहाँ पर आपके पास रहने के लिए तीन ऑप्शन हो सकते हैं. पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में आपको अकोमोडेशन मिल जाए हॉस्टल्स में. दूसरा ऑप्शन आपको ये हो सकता है कि आप कहीं पीजी लें, पेइंग गेस्ट बनकर रहें. या फिर तीसरा ऑप्शन आपको ये हो सकता है कि आप अपना फ्लैट लें, अपने फ्लैटमेट्स ढूंढें और उनके साथ सब कुछ खुद ही मैनेज करें. तो जब हम हॉस्टल्स की बात करते हैं तो हॉस्टल्स की सीट एज यूजुअल सभी यूनिवर्सिटी की तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि सभी को अकोमोडेट कर पाएँ. लेकिन कुछ कॉलेजेस हैं जिनके खुद के अपने हॉस्टल हैं, जैसे मिरांडा हाउस का अपना हॉस्टल है गर्ल्स के लिए, हंसराज का खुद का हॉस्टल है, हंसराज कॉलेज का, केएमसी का खुद का हॉस्टल है, रामजस गर्ल्स का अलग हॉस्टल है, एसआरसीसी के हॉस्टल्स हैं. तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे हॉस्टल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे. नहीं तो 12 यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं मेल एंड फीमेल्स के लिए, जहाँ पर आपको हॉस्टल की सीट फुल टाइम कोर्सेज के लिए मिल सकती है. अगर आप अप्लाई करते हैं, आपके एंट्रेंस में मार्क्स अच्छे हैं, इंटरव्यू बेसिस पर है सीट्स, वो आपको मिल सकती है. अब अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? तो आप या तो पीजी की तरफ जाएंगे या फ्लैट की तरफ जाएंगे. आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे. अब अगर आप पीजी पर जाते हैं, पेइंग गेस्ट बनकर जाते हैं, तो दुनिया भर के पीजी हैं, भर भर के पीजी हैं आपके लिए. आप किसी भी पीजी में जा सकते हैं, आपको वैरायटी मिलेगी. 6,000 रुपये से स्टार्ट होते हैं पीजी, फिर ख़त्म होने के तो कोई नाम ही नहीं है. 20,000, 25,000 आप जितना देना चाहें आप दे सकते हैं. आपकी मर्ज़ी, आपकी श्रद्धा है आप कितना दे सकते हैं. आप अगर चाहें तो हॉस्टल आपको मिलता है अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप पीजी ले सकते हैं. पीजी का हमने आपको अप्रोप्रिएट बता दिया है. कॉलेजेस के पास बहुत आराम से मिल जाते हैं, बहुत आयत रूप में भी हैं, तो आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी. अब आते हैं हमारे तीसरे ऑप्शन पर जो होता है एक फ्लैट. अगर आप फ्लैट लेते हैं तो आपके पास 50 सिरदर्दी होती है कि आपको सब कुछ अपना खुद ही मैनेज करना होता है, A to Z चीज़ें देखनी होती हैं, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. बस वहाँ पर एक आपका फ़ायदा होता है कि आपको जो इंडिपेंडेंस मिलता है, जो लिबर्टी मिलती है, वो भी सिर्फ आपकी है. वहाँ पर आपको छूट है हर एक चीज़ की, लेकिन इसके लिए आपको बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जो आपके लिए फ्लैट महंगा भी हो सकता है, सस्ता भी हो सकता है. सब तरह के फ्लैट्स अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी के पास. अगर आप लेना चाहें तो आकर देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ओपिनियन दूंगा कि एक जगह से ही देख कर फाइनल ना करें. अगर आप अकोमोडेशन के लिए ढूंढने आ रहे हैं, कुछ लेने आ रहे हैं, तो पहले एक जगह देखिए, फिर दूसरी जगह देखिए, तीसरी जगह देखिए, कंपेयर कीजिए और फिर लीजिए. क्योंकि कोई भी आपका रिश्तेदार नहीं है, आपको कोई बुरा मानने वाला नहीं है, इस बात को छोड़ दीजिएगा. आपको रहना है उसमें, टाइम निकालना है, इसीलिए अपने लिए बेस्ट ऑप्शन ढूंढिएगा और कंपेयर कीजिएगा. अब जब इन तीनों चीज़ों की बात हम कर लेते हैं तो खाना पीना जो है वो हमारे सबसे बेसिक ज़रूरत है, और सबसे बढ़िया तरीके का स्ट्रीट फूड और खाना यहाँ पर हमें मिल जाता है कमला नगर में, हटसन लेन में. दोनों ही यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सटे हुए हैं. हटसन लेन एक तरफ है, कमला नगर एक तरफ है. तो यूनिवर्सिटी के दोनों तरफ खाने पीने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं, बहुत अच्छे अच्छे कैफेज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं. तो उन्हें भी आप एक्सप्लोर कीजिए जाकर. कमला नगर में जाइए, आप स्ट्रीट फूड खाइए, हटसन लेन में जाइए, कैफेज़ घूमिए, देखिए और एक्सप्लोर कीजिए. यही टाइम है, यही लाइफ है, इसी को एंजॉय करना है. अब जब आप इन सबको देख लेंगे, यहाँ आएंगे दिल्ली में, तो शॉपिंग भी एक नेसेसरी होगी आपकी. शॉपिंग करने के लिए कहाँ जाएं, क्या करें, तो ये एक नॉर्थ कैंपस में रहने का एक पर्क हो जाता है कि आपके पास कमला नगर है.
अब सभी चीजों के सोल्यूशन है कमला नगर मलकागंज, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको फ्लैट पीजी सब कुछ भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ शॉपिंग के लिए भी अच्छा है। कमला नगर में लोग पूरी दिल्ली से आते हैं लोग कमला नगर में शॉपिंग करने के लिए, तो एक अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर घूमने फिरने के लिए भी नाइट लाइफ बहुत बढ़िया है, एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कुछ भी दूर नहीं है, जो जो आपकी चीज़ें ज़रूरत की हैं, आपको जिम चाहिए वो आपके नज़दीक है, आपको फैसिलिटेशन सेंटर चाहिए वो आपके नज़दीक है, आपको लाइब्रेरी चाहिए सेंट्रल लाइब्रेरी वो आपके नज़दीक है, आप अपनी कॉलेज लाइब्रेरी में बैठना चाहते हैं तो कॉलेजेस नज़दीक है, सब कुछ नज़दीक है। एनवायरनमेंट जो है वो सुपर हैपनिंग है और हमेशा अलाइव रहने वाला है, एक जॉली एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, अच्छा लगेगा आपको उस एनवायरनमेंट में, एक बिजी लाइफ में आप शेड्यूल में आएंगे। उसके बाद सेफ एनवायरनमेंट है, दिल्ली पुलिस की पूरी सजगता है, सेफ एनवायरनमेंट है, यहाँ तक कि दिन में रात में दोनों टाइम बिल्कुल सेफ होता है एनवायरनमेंट, ज़्यादा कोई घटनाएं होती नहीं है। अब यहाँ पर आप अपना पैशन भी फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं अपने पैशन को और उसे शाइन करा सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं अपने पैशन को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, क्लासेज हैं, सोसाइटीज़ हैं जो आपकी हॉबीज़ को नरिश करेंगी और आगे बढ़ाएंगी। नए स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप दिमाग वाले हैं, बिजनेस वाले हैं तो स्टार्टअप के लिए भी यहाँ पर सोच सकते हैं। ऊपर से एक आपको डिफरेंट ही कल्चर में रहने को मिलेगा, एक डिफरेंट इंडिया में रहने को मिलेगा, क्योंकि कैंपस लाइफ जो है वो रेप्लिका है इंडिया की यूथ लाइफ, तो आपको हर एक बैकग्राउंड के हर एक एस्पेक्ट के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और एक्सपोजर मिलेगा। अब आपसे हमारा एक ही मास्टर टिप है जो हम हर वीडियो में दिया करते थे कि लर्न एंड इवॉल्व, सीखिए और बदलिए, ये लाइफ के नियम है। आइए देखिए सीखिए और बदलिए। इस वीडियो को ज़्यादा समय ना लेते हुए यहीं पर ख़त्म करते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद।